Radio. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. गर्मी लग रही है लेकिन. हेलो, गुड इवनिंग बच्चों. वाईफाई स्टडी में आप लोगों का स्वागत है. तो बच्चों, आपको पता है कि मैथ्स की पाठशाला में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं. तो आपको पता है कि आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं. CHSL का जो बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, MDS की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, मतलब वो उन बच्चों, उन सभी बच्चों के लिए है कि जिनका इस बार कह सकते हो कि प्री अच्छा नहीं गया, या लग रहा है कि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट सही नहीं है. तो उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने, मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह की क्लासेस मैं आपके लिए चलाऊंगा. एक क्लासेस होगी जिसमें आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. तो मैं इसकी पाठशाला की एक क्लास में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, और दूसरी जो क्लासेज आपको जो पता है कि रात में 10 बजे चलती है, उस क्लास में क्या होता है, आपका मेंस का बैच टाइप का है. मतलब उसमें जैसे पेपर चल रहा है, पेपर का डिस्कशन हो रहा है अभी, जब तक प्री का पेपर चल रहा है उसके बाद उसमें मेंस का बैच शुरू हो जाएगा. मतलब हर टॉपिक को हम उसमें एडवांस लेवल पर करेंगे. तो बच्चों के लिए दोनों बेनिफिट है. 7 बजे आप पढ़िए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, और 10 बजे पढ़िए क्या एडवांस कॉन्सेप्ट. तो बच्चे, जहां तक आपको पता है कि हमने यहां, हमने क्या किया है, हमने अभी जो किया है वो हमने किया है कि पहले हमने पढ़ाया आपको फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जो बच्चे की पहली वीडियो है वो जरूर फ्रैक्शन की वीडियो देख लेना. आप सिंपल सा सर्च करना मैथ्स की पाठशाला वाईफाई स्टडी, फ्रैक्शन डालना, आ जाएगा वीडियो. फ्रैक्शन के बाद हमने दूसरा जो टॉपिक किया हुआ किया रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन. यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्यों ऐसा चल रहा है ना, क्योंकि देखो बच्चे, इस बार मैं बार बार एक चीज़ हमको समझा रहा हूँ कि इस बार SSC प्री में क्या प्रॉब्लम्स हुई. क्वेश्चंस का लैंग्वेज बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं था, खासकर मैं बोलूँ अर्थमेटिक में क्या था कि कैलकुलेशन लेंदी क्वेश्चंस था. तो कैलकुलेशन लेंदी क्वेश्चन था, इसके पीछे रीजन क्या था कि कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए. मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस थे, मतलब है कि जहां डेटा 25% 30% यूज हो रहा था, वहां क्वेश्चन में डेटा यूज हो रहा है क्या 12.5% 60.5%. यह सब जो रिलेशंस कैसे, इस तरीके से जो फ्रैक्शन वाले डेटा है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बोला था परसेंटेज और फ्रैक्शन, और परसेंटेज बिटवीन फ्रैक्शन का रिलेशन का वीडियो देख लेना. अब आज जो मैं, आज का टॉपिक है कि आज आपका टॉपिक है कि परसेंटेज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. देखो बच्चे, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि परसेंटेज और रेशियो पूरे अर्थमेटिक के दो पिलर्स हैं. अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है और रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अर्थमेटिक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो तुमसे नहीं बनेगा. और अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुमने मैथ्स को रटा है, मैथ्स को समझा नहीं है, मैथ्स को एक दूसरे तरीके से सीखा है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ होगा, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना. मैक्सिमम लोग इस तरीके से सीखते हैं और सिखाते भी है, लोग गलती उनकी भी है जो सिखाते हैं. मतलब वह एक कि मैगी है, तो मैगी का कॉन्सेप्ट से अगर आप मैथ सीखे हो तो फिर क्या, वो झटपट 5 मिनट में तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ मतलब इंस्टेंट भूख मिटा देता है, लेकिन ना तो आपके स्वास्थ्य के लिए सही होता है, और हर 1 घंटे बाद फिर आपको भूख लग जाएगा. तो बेटर है कि ऐसी चीज़ें खाओ कि जो क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही है और आपको क्या देगा, एक बेनिफिट देगा. तो वही चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, वो स्लोली स्लोली होगा, समझ रहे हो ना. तो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो क्वेश्चंस कभी नहीं जाएगा, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो तुमसे नहीं बनेगा. तो मैं आज जो बता रहा हूँ आपको वह कर रहा हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ. तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिस वन. हाँ, अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ मैं. मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी तो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ. क्या समझा रहा हूँ, थ्योरी. देखो, यह जो थ्योरी आपके पास दिख रहा है, यह थ्योरी, इस थ्योरी को मैं पहले ना आपको बेसिक से बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से बताऊंगा. बेसिक मतलब बोले तो क्या, कि यह पहली बार जो था मेथड आपने क्या 5-6 में पढ़ा था,
तो पांचवीं छठी कक्षा का बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा? देखो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, क्या है ना कि ये सिलेबस है, क्या ये सिलेबस है, वही 9-10 तक का सिलेबस है। तो SSC में 9-10 का सिलेबस पूछा जाता, +1 +2 का मैथ्स नहीं पूछा जाता। कोई भी आप पेपर देते हो, SSC का देते हो, CDS का देते हो, मतलब CDS पे थोड़ा सा +2 लेवल का है, और बाकी उससे नीचे जो भी आप ले लो, मतलब CPO का ले लो या MTS ले लो, CHSL ले लो या बैंकिंग का ले लो, ये सब में क्या है, रेलवे ले लो, कुछ भी ग्रुप डी ले लो, सब में क्या है, 10th तक के लेवल का है। तो क्या है कि जो ये सारी चीजें हम 10th में पढ़ चुके हैं, 10th तक सिलेबस में, तो फिर हम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है अप्रोच, कि अप्रोच हम अभी जो लगाएंगे वह अप्रोच नहीं लगाएंगे जो अप्रोच हम 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़े थे। तो लेकिन सिंपल सी बात है कि हमारा अप्रोच तो अलग होगा, लेकिन पहले वह मैथड आना चाहिए। अगर आपको 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा वाला जो मैथ्स है, मतलब वह मैथड अगर आपको नहीं आता और डायरेक्ट आप रेशियो मैथड या परसेंटेज मैथड, एलिगेशन मैथड सीख लेते हो या पुटिंग का कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, तो वह हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आप उसी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, नया क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पाओगे। नया क्वेश्चन में तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम्हारा बेसिक सही है। तो मैं पहले इस चीजों को समझाऊंगा, परसेंटेज को, वह मेथड जो आपने 6-7 में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, देखो आप क्या लिखा है कि ए इज 25% ऑफ बी, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं थ्योरी समझा रहा हूं आपको। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको 15-20 मिनट, मतलब मेरे ख्याल से 15 मिनट तक, उसके बाद उस पर क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल्स पढ़ाऊंगा, और फिर लास्ट में वो क्वेश्चन करवाऊंगा। लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इस बार CGL प्री में आया हुआ, क्योंकि CHSL का आपको पता है कि लेवल लगभग उससे और ऐसा कम होता है। तो हम तैयार तो बेसिकली CGL मेंस के लिए करते हैं। मैंने आपको पहले बोला, मैं अगर मैं CGL मेंस के लिए आपको तैयार कर दूं ना, तो उससे नीचे जितने पेपर है सब में क्वालिफाई करोगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट, पहले समझो कि ए इज 25% ऑफ बी। एक बच्चा जो बेसिक का है वह इसको एक्स मान के बनाएगा, 100 मान के बनाएगा, 1 मान के बनाएगा और रेशियो से बनाएगा। 4-5 मेथड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक्स मान के बताता हूं। तो एक्स मान के क्या है कि ए इज 25% ऑफ बी। ए की तुलना किससे है? बी से। रिलेशन, ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ रिलेशन है, मतलब ए जो है वह बी का 25%। तो बच्चे जिससे रिलेशन है ना, हम उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे बोलूं कि मैं मंत्री जी का भाई हूं, तो आप समझोगे कि मैं भाई हूँ मंत्री जी का, मतलब आप डायरेक्ट कन्वर्ट किससे करोगे कि भाई मंत्री जी का भाई है तो ये इतना उछल रहा है, डायरेक्ट हम मंत्री जी से ही बात कर लेते हैं। तो वही चीज है कि जिससे रिलेशन है आप उसके रूट की ओर जाना चाहते हो। कोई भी आप बातें सुनते हो ना, तो सुनते हो कि सोचते हो कि उसके रूट की ओर चले, उसका एक्चुअली रहस्य क्या है। तो कि ए की तुलना किससे है? बी से। तो ए की तुलना बी से, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। तो आप बी को एक्स मान लो, 100 मान लो, जो मानना है मान लो। हमने बी को मान लो एक्स मान लिया, फिर 100 मान के भी बताऊंगा, दोनों एक साथ चलते हैं। तो B को हमने X माना, तो अब A जो है वह B का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो X का 25% है, X का क्या है? 25%। तो 25 से कट गया 4, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई? X/4 ये आ गया। तो बी एक्स है, ए क्या हुआ? X/4। अब बोल रहा है कि अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो बी की तुलना किससे है? ए से। तो अपने दिमाग में डाल लेना, जिससे तुलना है, अगर परसेंटेज में पूछे, रेशियो में पूछे, जिससे तुलना उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। अगर मैं बोलूँ मेरी सैलरी 100 रुपया और तुम्हारी सैलरी 200 रुपया या 300 रुपया या 50 रुपया, मेरी सैलरी 100 रुपया, तुम्हारी सैलरी 50 रुपया, तो तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी का कितना परसेंट है? तो तुम्हारी सैलरी की तुलना किससे है? मुझसे है। तो तुम्हारी सैलरी अपॉन मेरी सैलरी इंटू 100। और अगर मैं पूछूं कि मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी का कितना परसेंट है? तो मेरी सैलरी अपॉन तुम्हारी सैलरी इंटू 100। मतलब जिससे तुलना है वह नीचे रहता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो क्यों नीचे CP होता है? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किससे कैलकुलेट होता है? CP पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस SP पे होता है, तो आप नीचे क्या लिखते हो? SP लिखते हो। तो जिससे तुलना है उसको क्या लगते हैं? नीचे रखते हैं। तो B की तुलना किससे है? B इज व्हाट परसेंट ऑफ, B की तुलना A से है। तो B की तुलना जो है वह A से है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। तो B कितना हुआ अपने पास? X। B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, तो ये X। A क्या हुआ? X/4 इनटू क्या? 100। देखो ये X से X कट गया, 4 ऊपर गया, कितना आया? 400%। कितना आ गया आंसर? 400%। अगर इसी चीज को मैं 100 मान के बनाऊं, तो B को तुम 100 मान सकते हो, तो B को हमने 100 मान लिया। तो A क्या हुआ? 100 का 25% कितना हुआ? 25। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि B A का कितना परसेंट है। तो B कितना है? 100 A का, मतलब A नीचे आएगा, अपॉन 25 इंटू क्या? 100। क्लियर है? तो देखो ये क्या आ गया? 400। तो यह आ गया आपके पास 400%। परसेंटेज पूछा, इतना परसेंट आंसर आ गया। तो यह बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी। यह एक 6th 7th का बच्चा ऐसे बनाएगा, या तो ऐसे बनाएगा या तो ऐसे बनाएगा।
ठीक है। अब इसको रेशियो से भी बनाते हैं, तो लेकिन रेशियोस में अभी पहले बाद में बताऊंगा, पहले इस पे तीन रिलेशंस आते हैं, वो तीनों रिलेशंस में समझाता हूँ। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो अपने पास है वह क्या है, देखना ध्यान से। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में बच्चे, आप ध्यान से देखोगे तो दिया है कि ए इज 25% लेस देन बी। अब यह वर्ड और पिछले वाले में क्या अंतर है, गौर से देखना। पिछला वाला अगर मैं देखूं बच्चे, देखो पिछला वाला, तो पिछले वाले में देखा कि ए इज 25% ऑफ बी, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ, इस बार दिया हुआ कि ए इज 25% लेस देन बी, ए की तुलना बी से है लेकिन क्या 25% कम है। तो अगर मैं बेसिक से बताऊं तो ए की तुलना किससे है, बी से, तो बी को एक्स मान लिया, मान लो हमने क्या ले लिया, बी को एक्स ले लिया। तो बी को जैसे एक्स माना तो ए क्या हुआ, ए के बारे में दिया हुआ कि वह बी से 25% कम है। बहुत बेसिक से चलता हूँ, अगर मेरी सैलरी तुमसे 25% कम है तो तुम 100 कमाते हो तो मैं कितना कमाता हूँ, 100 माइनस 25 75। तो अगर तुम 100% हो तो मैं 100 माइनस 25% मतलब क्या 75%। तुम अगर 100 रुपया कम, तुम 200 कमाते हो तो 200 का 25% कम। मैं बोलता हूँ कि मेरी सैलरी तुमसे 20% कम है तो तुम 100, तो 100 माइनस 20 80। मेरी सैलरी तुमसे 10% कम है तो तुम 100, मैं क्या 90। तो क्या दिया हुआ है कि 25% कम है, तो ए कम है, तो ए जितना भी है उतना तो है ही, और उससे कम है माइनस क्या एक्स का 25%, 25% कम है, कौन कम है, ए कम है, तो ए इक्वल टू एक्स इंटू एक्स बाय 25 कट गया। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, एक्स माइनस एक्स बाय 4 मतलब 3x/4। अब पूछा क्या जा रहा है कि देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, मतलब बी की तुलना किससे है, ए से, तो बी की तुलना ए से है, तो नीचे ए लिखेंगे। अब कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट है ये नहीं पूछ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो बी अपॉन ए इंटू 100, लेकिन इस बार बोला कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, मतलब बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अगर मोर वर्ड आ गया मतलब दोनों का डिफरेंस आ गया, तो दोनों का डिफरेंस बी अधिक है ए से, तो ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू क्या 100, क्योंकि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो बी अधिक है ना, तो ऑब्वियसली बी माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि बी अधिक है, बी इज व्हाट परसेंट मोर, बी अधिक है, तो बी कितना है एक्स, ए कितना है 3x/4 अपॉन तुलना किससे है ए से, तो ए की वैल्यू क्या है 3x/4 इंटू क्या 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा तो ये क्या ऊपर x बाई 4 आ गया, नीचे क्या आ गया 3x/4 इंटू क्या 100। तो देखो x/4 कट गया, 100/3 क्या हुआ 33 × 1/3%। ये किससे बन गया, ये बन गया x से। अब इसी चीज को अगर 100 से बनाएंगे तो क्या इसे बनाते हैं, देखो आप अगर इसी चीज को 100 से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कॉन्सेप्ट पे कि ए 25% बी से कम है, तो बी ए की तुलना किससे है, बी से, तो बी को हमने 100 माना, जैसे बी को 100 माना तो ए क्या हुआ, ए की वैल्यू 100 का 25% कम, तो 100 माइनस 25% मतलब 100 का 25% क्या हुआ 25 का मतलब 75। तो यह चीजें आपको माइंड में धीरे धीरे समझना होगा कि 25% कम की मीनिंग होती है 75%। मैं बोल रहा हूँ कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% डिस्काउंट पे बेचा मतलब 75% पे बेचा, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% लॉस पे बेचा मतलब 90% पे बेचा, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा मतलब वो 88% पे बेचा। तो यह चीजें समझना होगा धीरे धीरे, मतलब क्वेश्चन पढ़े और माइंड में क्लिक हो जाए चीजें। तो क्या है कि ए 75 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो बी कितना अधिक तुम्हें दिख रहा है, बी कितना अधिक दिख रहा है 25 अधिक दिख रहा है, किससे अधिक दिख रहा है ए से, तो नीचे ए लिखेंगे 75 इंटू क्या 100। तो ये क्या हो गया अपने पास 100/3 मतलब 33 × 1/3%। देखो यह आ गया, यह आ गया अपने पास किससे, बेसिक से। यह मेथड क्या था, यह मेथड है कि जो बच्चा 6th-7th में पढ़ा था, 8th में आप ऐसे मेथड पढ़ते हो 6th-7th में। इसके बाद बताऊंगा कि आपको कैसे SSC के एग्जाम में इसे ऐसे चीजों को कॉन्सेप्ट को समझना, यह बेसिक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो यह सेम क्वेश्चन है, हल्का सा हमने चेंज किया, ये आप खुद से बनाने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ अपने पास, देखो देखिए ध्यान से, पहले तो एक सेकेंड, पहले उसी की बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता हूं, देखिए इसी में मैं करता हूं नेक्स्ट, इसका एक्चुअली दिया हुआ नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। मान लो इसी में सेम क्वेश्चन में कर देता हूं कि अगर यहां लेस की जगह पे होता, ध्यान से समझना, अगर यहां लेस की जगह पे होता, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर यहां लेस की जगह पे होता मोर,
क्या होता मोर, और यहां क्या होता व्हाट परसेंट मोर की जगह पे लेस, यहां क्या होता कम की जगह पे अधिक, और ये कितना परसेंट कम है, सेम चीजें रहता। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओगे क्या है, क्या करेंगे अगर इसे सो मान के बनाओ या एक्स मान के बनाओ। एक्स मानेंगे तो ए अधिक है किससे, बी से, तो बी को हमने माना एक्स, तो ए कितना हो गया एक्स प्लस एक्स का कितना 25%। तो ये क्या हुआ, वह कम था तो इसमें माइनस की, अधिक है तो प्लस करेंगे, तो ये क्या हुआ 5x/4। पूछ क्या रहा है कि बी कितना परसेंट कम है ए से, तो बी कम है ए से, तो बी कम है ए से, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 5x/4 माइनस एक्स। किससे तुलना है ए से, कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है कि नीचे किसको लिखे, बच्चे जिससे तुलना है, और कैसे तुलना पता चलता है कि जो लास्ट में होता है उसे तुलना है ना, कि मैं तुमसे कितना परसेंट अधिक कमाता हूं, तो मेरी तुलना किससे तुमसे, तो देन के, अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो देन के बाद जो वर्ड आता है उसे तुलना होता है, और हिंदी में पढ़ते हो तो क्या हुआ जिससे, हिंदी में तो ऐसे समझ में आता है कि किसकी तुलना किससे, तो अपॉन क्या हुआ किसके, मोर देन ए, ए से तुलना, तो ए की वैल्यू क्या है 5x/4 इंटू क्या 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 5x/4 माइनस एक्स मतलब क्या हुआ x/4, यह हो गया x/4 अपॉन क्या हुआ 5 × x/4 इंटू क्या 100, तो x/4 कट गया, 5 से कट गया, क्या हुआ 20, कितना आंसर आया 20%। तो देखो आगे आंसर 20%, 100 मान के बना सकते थे सेम चीज़ों को। तो यह तो था आपके पास क्या, यह कॉन्सेप्ट था आपका पास बेसिक। अब इसी कॉन्सेप्ट को, अब क्या है कि बेसिक से तो चलो एक्स मान के बना लिया, लेकिन क्वेश्चन में अगर डेटा चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होता है कभी कभी कि सो मान के बनाना एक्स मान के बनाना खतरनाक हो जाता है। तो फिर हम सीखते हैं रेशियो मेथड, कि रेशियो मेथड से सेम कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन सेम है, मैंने सिर्फ डेटा चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया है डेटा चेंज किया। देखो यहाँ 20% 25% नहीं है, यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया 14:2/7। तो अगर इसको 100 मान के बनाते हो तो तुम आप फंस जाओगे, तुम क्या कर जाओगे फंस जाओगे, एक्स मान के बनाओगे फिर भी लेंदी सा हो जाएगा। तो देखो इसको रेशियो से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ है कि 14:2/7%, याद करो परसेंटेज की फ्रैक्शन की फर्स्ट क्लास में समझाया था 14:2/7% क्या होता है 1/7, और मैंने बोला था उसको आपको याद रखने के लिए लिख दिया 1/7। तो किसी भी चीज को फ्रैक्शन में क्या समझाया था, किसी भी चीज को फ्रैक्शन में समझाया था कि अगर 1/7 की बात कर रहे हैं तो मतलब टोटल भाग 7 है, उसमें से किसकी बात कर रहे हैं एक की बात कर रहे हैं। तो बोला कि ए इतना परसेंट कम है, ए इज इतना परसेंट लेस देन बी, ए 14:1/7% लेस है किससे बी से, तो यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, ठीक है। अब ए की तुलना किससे है बी से, ए कम है, ए किससे कम है बी से कम है, ए किससे कम है बी से कम है, तो ए की तुलना बी से, क्या समझाया था जिससे तुलना है वो नीचे आता है, तो नीचे क्या आ रहा है 1/7 है, नीचे क्या है 7, तो ए की तुलना बी से है। तो यहां हमने लिखा 14:1/7% की 1/7। अगर यहां लेस वर्ड है तो यहां माइनस साइन दे दो, अगर अधिक होता तो प्लस साइन देते, लेस है डिस्काउंट है लॉस है तो वहाँ माइनस साइन होगा, प्रॉफिट है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीजमेंट है कहीं भी बढ़ोतरी है तो यहां सब में क्या हो जाएगा मार्कअप कर रहे हैं तो प्लस साइन होगा। तो अब ए कम है किससे बी से कम है, तो ए बी से कम है तो ए की तुलना बी है, ए की तुलना किससे बी से, तो नीचे कौन आएगा बी, तो बी की जगह पर हमने लिखा 7, बी की जगह पे क्या लिखा 7, बी की जगह पे 7। अब ए कम है किससे कम है बी, ए से कम है, तो कितना कम है एक कम है, क्यों कैसे एक कम हुआ, तो 7 का 1/7 क्या होता है एक ही होता है ना, तो एक होता तो 7 - 1 क्या हुआ 6, क्या हुआ 6। अगर अधिक होता तो क्या करते 7 + 1 = 8 करते, क्लियर है चीजों। तो ए कम है बी से, तो बी 14:2/7% मीनिंग 1/7, ए की तुलना बी से, तो बी की जगह पे 7, तो ए क्या हुआ 7 - 1 = 6 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो बी कितना अधिक है एक अधिक है, किससे बी अधिक है बी जो अधिक है किससे अधिक है ए से अधिक है, और बी की तुलना है किससे ए से तुलना है, क्यों क्यों क्या दिया हुआ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की तुलना ए से, तो नीचे ए लिखेंगे, तो ए की जगह पे क्या हुआ 6, तो 1/6 × 100 क्या होता है आपके पास 16:2/3%, 16.66%। देखो ये चीजें समझ में आ गई, तो जो पिछले बार बताया था वो अभी इस मेथड से बन सकता था, और यह
100 मान के बनाओगे तो फंस जाओगे, एक्स मान के बनाओगे तो बन तो जाएगा, लेकिन यह रेशियो से बन जाए, और रेशियो से सारी चीज़ें बन जाती है। लेकिन रेशियो सिर्फ डायरेक्ट में बता दूँ, रेशियो तुम सीख लो, उससे पहले तुम्हें बेसिक समझ में आना चाहिए। तो बेसिक क्या होता है ना कि किसी भी बिल्डिंग को आप बनाते हो तो जो पिलर्स होते हैं, जो नीचे हम खोदते हैं मिट्टी उसमें पिलर्स भरते हैं, जो कह सकते हो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वह है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और बिल्डिंग के ऊपर हम मार्बल्स लगा दें, जितना पैसा खर्च करना चाहो मार्बल्स लगा दो, प्लास्टर कर दो, पीओपी से काम कर दो, ग्लासेस लगवा दो, तो वो सब तुम्हारा क्या है, रेशियो मैटर, परफेक्शन मैथड, एलिगेशन मैथड, रॉबिनहुड कॉन्सेप्ट, लेडर कॉन्सेप्ट, ये सब जो क्या है कि एक तरह अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने तुम बिल्डिंग को सजा रहे हो। तो बिल्डिंग को सिर्फ सजा लोगे, ऊपर से बिल्डिंग का बेस नहीं है तो हवा आएगा, आंधी आएगा, उड़ जाएगा, जैसे सीजल के प्री में हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था, कैलकुलेशन सही नहीं थी, और उसने क्या किया ऊपर ऊपर से मैथ को पढ़ रखा था, तो बेसिकली बच्चे फंस गए। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए और उसके ऊपर से तुम और सजा लो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग भी होगा और बिल्डिंग खूबसूरत भी लगेगी। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बना लो, देखो सेम चीज़ें मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो आप इसे बताओ तो, देखो सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, कुछ है नहीं, इस बार दिया है कि ये इसका इतना परसेंट है। तो क्या दिया है बच्चे कि 16:66% की मीनिंग क्या होती है, 1/6। अब यहां मोर वर्ड नहीं है, मोर और लेस वर्ड नहीं है, सिंपल सा ए और बी लिखा हुआ है, ए और बी। अब ए बी का इतना परसेंट है, मतलब ए की तुलना किससे है, बी से, तो जो नीचे आएगा वो बी होगा, तो बी नीचे आएगा तो बी की जगह क्या लिखेंगे, 6। अब अगर यहां अधिक होता ना तो यहां प्लस साइन देते तो 6+7 हो जाता, अगर यहां माइनस होता कम होता तो वह माइनस साइन देते तो वह क्या होता, 6-1 5 हो जाता, लेकिन यह नहीं है, बोला कि ए बी का इतना पार्ट है, तो ए जो है वह बी का 1/6 भाग है, इतना परसेंट की मीनिंग क्या होती है, 1/6 भाग, तो बी हमने क्या माना है, 6 माना, तो बी 6 माना, तो ए क्या आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया। अगर अधिक होता तो प्लस साइन देते तो 6+7 हो जाता, अगर कम होता तो 6-1 5 हो जाता। अब पूछा क्या है कि देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो बी जो है वह ए का कितना परसेंट है, तो बी की तुलना किससे है, ए से, तो ए क्या आया, 1, तो 6/1 × 100 मतलब कितना परसेंट, 600%। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत नहीं तो समझ में आ गया होगा। लास्ट एक ऐसा कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ये सब चीजें मैं आपको फंडामेंटल चीजें समझा रहा हूं कि फंडामेंटल्स क्या है। तो जल्दी से फास्ट बनाओ, अब क्या है कि 12.5% अधिक दिया हुआ है। अब 12.5% की मीनिंग आपको पता है, जल्दी से फास्ट फास्ट, 12.5% की मीनिंग पता है, 1/8 होता है। क्या बोला था, अधिक साइन है तो क्या साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, कम होता तो क्या लिखते हैं, माइनस, ए और बी लिख दिया, पहले ए लिखो बाद में बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले बी लिखो ए लिखो कोई दिक्कत नहीं। ए की तुलना किससे है, बी से, तो ए की तुलना बी से, तो नीचे कौन आएगा, बी, नीचे कौन आएगा, बी, तो बी की जगह पे क्या लिखे, 8, अधिक है तो ये 8+1 क्या हुआ, 9, यहां आ गया 9, मतलब ए आ गया 9, बी क्या आ गया, 8। अब क्या बोल रहा है, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी तुम्हें कितना कम दिख रहा है, ए कम दिख रहा है बी, तो बी तुम्हें एक कम दिख रहा है, बी किससे कम दिख रहा है, ए, ए से, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी की तुलना ए से है तो नीचे ए आएगा, ए क्या है, 9, तो 1/9 तुम्हें पता है, 11:1/9%, देखो आ गया। लेकिन इसको एक्स मान के बनाओगे, 100 मान के बनाओगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो रेशियो क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को आसान कर देता है, लेकिन पहले बेसिक तो पता होना चाहिए पहले। अब ये तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा पेपर में, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि आपका ये फंडामेंटल्स, ये टूल्स हैं, तो ये टूल्स पता होना चाहिए आपको, फिर उस टूल्स का क्या करना है, आपको सजाना है। जैसे देखो क्या होता है ना, आप घर में सिंपल सा सब्जी भी बनाते हो, कोई भी पनीर बनाया या पनीर के भी बहुत सारे आइटम हैं, वैसे हम मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन तो कोई भी चीज़ आप बनाए, पनीर का कोई भी एक आइटम बनाए, पहले इंग्रेडिएंट आप सजाते हो कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी है, फिर एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसको पहले डालते हैं, मसाला भूंजते हैं, फिर बहुत सारी प्रोसेस होता है कि मसाला कब पक गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को लेके। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन भी वही है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का खास है, क्या दिया है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन के मतलब स्ट्रक्चर को समझ लोगे ना कि ये मुझे बनाना है इस क्वेश्चन में, ये चीज़ें मटेरियल दिया हुआ, इसी मटेरियल से हमें ये चीज़ बनाना है, जैसे सिंपल सी चीज़ें दिए कि ये ऐसे मटेरियल दिया हुआ है और इस मटेरियल से मुझे ये सामान बनाना, तो वही एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली लो इसे, जो काम तुम रोज करते हो वही चीज़ें हैं। इसको मैथ्स को अगर ये समझोगे नहीं, ये मैथ्स है, तो मैथ को मैथ की तरह सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो वो बहुत टफ काम है, और मैथ को मतलब क्या कहते, इजिली डेली लाइफ की तरह सोचोगे, फील करोगे। मैथ्स जो है ना वो पढ़ने की चीज़ नहीं है,
फील करने की चीज है, क्योंकि यह मैथ्स है ही नहीं। मैथ्स तो वो होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और उसके बाद मतलब एडवांस मैथ कह सकते हो, थोड़ा सा मैथ्स है, लेकिन अर्थमेटिक मैथ्स नहीं। अर्थमेटिक जो है एक फील करने की चीज है। जितना ज्यादा तुम उसे फील करोगे, अब ज्यादा फीलिंग मत लेने लगना, जितना ज्यादा तुम उसे फील करोगे उतना कॉन्सेप्ट आसान सा दिखेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है बच्चे। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का रूप हमने दे दिया इसको, ये जो थी प्रोसेस जो हमने समझाया इसको क्वेश्चन का रूप दे दिया, और इसको आप अब खुद से बनाओ। पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ और इसे आप समझना। सबसे पहले ये जो डेटा लिखता है इसको पहले लिख लेते हैं कि 14:2/7% की मीनिंग क्या होती है, यह होती है 1/7, ठीक है 1/7 लिख के छोड़ दिया हमने। फिर हमने लिखा ए और बी, तो ए और बी इनकम लिख दिया, ए और बी की बात चल रही है। सी होता था सी भी लिख देते, डी होता था डी भी लिख देते, वो सब कॉन्सेप्ट में और आगे पढ़ाऊंगा जब रेशियो को बताऊंगा कि कैसे 3-4 एलिमेंट्स हो जाते हैं, सीपीएसपी में कैसे यूज होता है, एमपी एसपी सीपी ये सब में कहां यूज होता है, वो सब यहीं से चलता है। तो अब क्या है कि इनकम ऑफ ए इज इतना परसेंट मोर, क्या समझाया था कि अगर बच्चे मोर वर्ड है तो आंख बंद करके प्लस साइन दे दो। अब ए की इनकम अधिक है किससे, बी से, तो ए की तुलना किससे है, बी से, तो ए की तुलना बी से है तो नीचे कौन आएगा, बी आएगा, तो नीचे बी आएगा तो बी के जगह क्या लिखेंगे, 7, तो बी के जगह हमने लिख दिया 7। तो ए क्या है, अधिक है, ए अधिक दिख रहा है, तो ये 7 प्लस ए क्या हुआ, 8, तो ए आगे 8। ये क्या है, मंथली इनकम है, द इनकम ऑफ ए इतना परसेंट, ठीक है मंथली इनकम, यहां मंथली लिख देना चाहिए, यहां लिखा नहीं है, दिस इज द मंथली इनकम। मासिक आय, आय की जगह लिख दिया आय के सामने मासिक आय, ठीक है थोड़ा सा ये लैंग्वेज होना चाहिए, मासिक आय। अब क्या दे दें, 8 मंथ्स इनकम ऑफ बी, बी के 8 महीने की आय, तो बी के अगर 8 महीने की मैं बात करूं तो एक महीने की आय 7 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके कितने है, व्हाट मोर देन द 5 मंथ इनकम ऑफ ए, इसका 5 महीने की आय है, तो उसके 8 महीने की आय कितना हो, 56, इसके 5 महीने की आयु क्या हो गई, 40। यहां तक लिख दी, यहां तक बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखे, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। सबसे पहले देखना तुलना किससे है, 8 मंथ इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन 5 मंथ इनकम ऑफ ए, तो बी के 8 महीने की आय की तुलना किससे है, ए के 5 महीने की आय से, तो ए से तुलना है तो कंफर्म है कि नीचे ए लिखेंगे, तो ए की बात करें तो ए कितना है, 40। अब इंपॉर्टेंट है कि यह व्हाट परसेंट मोर, अगर सिर्फ परसेंट होता मोर ना होता तो ऊपर क्या लिख देते, बी की इनकम लिखते इनटू 100 कर देते, लेकिन इस बार बोला अधिक, तो किसका कौन अधिक है, बी की इनकम अधिक है किससे, ए से, तो बी की इनकम कितना अधिक तुम्हें दिख रहा है, 40 से 56 मतलब 26 हुआ ना, सॉरी 16 अधिक है ना, 16 अधिक है, तो ऊपर क्या लिख दिए, 16 इंटू क्या, 100 अधिक लिखा था, अधिक लिख दिया। अगर मोर वर्ड नहीं रहता तो सिंपल से ऊपर क्या लिख देते, बी की इनकम अपॉन ए की इनकम इनटू 100, कि अगर बी की इनकम पूछ देता कि बी की इनकम ए कितने की इनकम का कितना परसेंट, तो सिंपल सा डिफरेंसेस नहीं लिखते, अगर बोल दे मोर और लेस तो डिफरेंसेस लिखेंगे। ये सबसे ज्यादा पता, ये सब जो चीजें बता रही सब डीआई में बहुत यूज होता है, डीआई में डेटा दे दिया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर का प्रोडक्शन दे दिया, या अलग अलग क्लासेस सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फेल का दिया हुआ है, और पूछे कि इसका पास उसके फेल से कितना परसेंट अधिक या कम है, तो यहां ये सब कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे इस बार डीआई में सीजीएल में क्या हुआ, 5 क्वेश्चन डीआई के अलग अलग, और मैक्सिमम बच्चे उसमें फंस रहे हैं, डीआई में बना ही नहीं पा रहे, वो सोच रहे हैं 25 क्वेश्चन में से 5 डीआई मतलब मैथ्स की अगर देखो तो 20 में ही वो ट्राई कर रहे हैं। अब 20 में आपको पता है कि उसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक और 10 क्वेश्चन एडवांस का कॉन्सेप्ट है, या 12 क्वेश्चन है अर्थमेटिक कुछ है, अब वो है कि इसी में खेल रहे हैं तो 20 में वो खेल रहे हैं, कोई 14 कोई 13 कोई 12 कोई 16, तो अगर डीआई बना ले 4 क्वेश्चन उधर ना 5 में कम से कम 3-4 तो डीआई बन ही जाएगा, तो ऑन एन एवरेज वो 17-18-19 तक खींच ले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही फंस रहा है। तो यह बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। तो यहां हो गया क्या, 4 से कट गया, 4 कितना आ गया, 40% आंसर आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा एक सेम क्वेश्चन आप करके देखो, देखो मैंने कर दिया, अब दूसरा क्वेश्चन खुद से करो कॉपी पेन लेके, ऐसा नहीं कि आप जो है ना चीजों को बस देखते रहो, यह मूवी नहीं चल रही है ना कि आप इंजॉय करो, यह क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी कर रहे हो तो जब भी बैठो वीडियो को, तो ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं तकिया लगा के फोन ईयरफोन लेके और ऐसे देखे जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, इसको प्रॉपर करो, या तो आप पढ़ो मत, नहीं कर देखना है मत देखो, और लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या क्या प्रॉपर कॉपी पेन लेके जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि देखो बच्चे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ सिलेक्शन टीचर इंस्टीट्यूट पे डिपेंड ही नहीं करता, सिलेक्शन तुम पे डिपेंड करता, तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो ना सिलेक्शन तुम्हारा श्योर है। मैं ये नहीं बोलता, मैं बार बार बोलता हूँ कि टीचर कैटलिस्ट की तरह होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है,
तो क्या है कि सीरियस होकर पढ़ो, जहाँ पढ़ना है जिनसे पढ़ना है सीरियस होकर पढ़ो। मैं ये नहीं बोला कि दुनिया के बेस्ट टीचर में ही हूँ, मैंने बोला पहले भी कि जो भी टीचर है जिनसे जब पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो खुद से। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाना आराम से, खुद से बना लेना जल्दी से फास्ट। जरा देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, जरा देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 37.5% डेटा यूज है। तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था, जैसे 37.5% है तो आपको इसको पता होना चाहिए इसकी मीनिंग क्या होती है। अब हमें पता है कि जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा, कुछ को पता होगा। तो 37.5% क्या पता है, 12.5% की मीनिंग 1/8, 37.5% 3×3/8 बोला था लिखने के लिए। और मैंने वह वीडियो में बोला भी था कि आज मैं बोल रहा हूँ जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से 5% भी नहीं लिखते हैं, और वास्तव में नहीं लिखा होगा, अगर लिखे होते तो ये याद होता। तो बात क्या है ना कि तुम लोगों सबको मैगी की आदत हो गई है, तो मैगी की आदत डालो, हटाओ। 37.5% 3/8 मोर है तो आंख बंद करके क्या बोला मैंने, प्लस साइन लगा दो, लगा दिया। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ चेयर और टेबल, तो चेयर लिख दिया, टेबल लिख दिया। पहले टेबल लिखो चेयर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेयर की तुलना किससे, बाद में कौन है, टेबल। तो चेयर की तुलना टेबल से है तो टेबल नीचे होगा, तो टेबल के सामने 8, और अधिक है तो 8+3। अगर अधिक नहीं होता सिंपल सा होता, अधिक या मोर और लेस नहीं होता तो सिंपल सा 3 लिख देते, लेकिन अधिक है तो 8+3 क्या हुआ, 11। मैंने बोला था अधिक में, यहाँ 11 लिख दिया। अब बच्चे क्या दिया जाए, गौर से देखना। तो दिया है कॉस्ट ऑफ 6 चेयर, तो 6 चेयर की कीमत कितनी है, इंटू 6। कॉस्ट ऑफ कितने, 5 टेबल, तो इंटू 5 कर दिए। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या, 11×66, 8/40। अब क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 6 चेयर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन कॉस्ट ऑफ 5 टेबल। तो चेयर की तुलना किससे है, टेबल से तुलना है। क्या समझाया था, जिससे तुलना है वो नीचे आता, तो टेबल से तुलना है तो टेबल नीचे आया। तो टेबल नीचे आया तो टेबल कितना है, 40, तो टेबल 40 लिख दी। अब अधिक है टेबल या कम है, तो दिख रहा है तुम्हें कि टेबल जो है वह कम है, किससे, द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर। तो 6 चेयर जो है वह क्या है, चेयर जो है वो अधिक है, हाउ मच परसेंट मोर, चेयर अधिक है किससे, टेबल से। तो पूछ रहा है कितना अधिक है चेयर, तो चेयर कितना अधिक है, +26, तो यहाँ लिख दिया +26, मतलब डिफरेंस लिखते हैं। आई इंटू क्या, 100, तो 0 0 कट गया, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 से कट गया 13, कितना परसेंट, 65%। बताओ क्या कोई दिक्कत है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही डेवलप करूंगा मैं आपको। और जब यही चीज़ें डेवलप हो जाएगी ना, तो फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, माइंड में तुम्हें स्ट्रक्चर बना लोगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे। देखो क्वेश्चन बनाने के, मैं बार बार बोलता हूँ, 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज में हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सेकंड स्टेज होता है कि व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। और फाइनली जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, तो दिमाग खुद ही रिवर्ट उसका आंसर करता है कि यह दिया हुआ, यह पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन ऐसे। लेकिन क्या होता है कि बच्चे अपने दिमाग से पूछते नहीं कि क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करने शुरू करते नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार करो, कि माइंड में ब्लूप्रिंट तैयार हो जाने कि ये दिया हुआ है और ये चीजें हैं, इसको ऐसे करेंगे तो ये रिलेट कर, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर कैलकुलेशन का काम, कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चे मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ डेटा, जरा गौर से देखो, 262/2, 118, इतना। तो ये सब की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा देखो मैं टफ बना रहा हूं, इसको बताया था, अब जिनको नहीं पता है वो गलत बात है, पता होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं बच्चे कि आप पढ़ो, इसकी मीनिंग समझाया था कि 262/1/2%, क्या समझाया था, 200% ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, 200+ 62.5% टूटेगा। तो 200% क्या बोला था, 2 और 62.5% क्या समझाया था, 5/8। अब नहीं याद है तो गलत बात है, 8 2 16 5 21/8 होना चाहिए, 16 5 21, इसको लिख के रख दिए। दूसरा जो अपने पास है क्या है, 118, इसको माइंड में सोचो, 118.3, इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो माइंड में सोचो, अब डायरेक्ट करना चाहिए, 118 मतलब क्या हुआ, 100 और प्लस क्या, 18.75। तो 100 मतलब क्या हुआ, 1, और 18.75 क्या होता है, 1/16 क्या होता है, 6.25, तो 18.75 क्या होता है, 3/16, तो 1+3/16, तो 19/16। तो इसकी मीनिंग हो गई, कह सकते हो 118.75% की मीनिंग हो गई, क्या 16 3 19/16। तो यह सब पता होना चाहिए, अगर यह सब पता नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ, यह तो पता होना चाहिए। अब यही समझ में मतलब कहते हैं ना कि ये समझ में आना चाहिए कि क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आया, और ये समझ में नहीं आया कि क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझाने से बाहर की चीज़ है।
तो अब क्या दिया हुआ है कि इतना परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, तो पहली संख्या मान लो ए है, उसका इतना परसेंट मतलब 21/8 भाग, या अधिक है, किससे अधिक है, तो मत लिखो प्लस 460, मतलब उसको रेशियो में लिख दो सिंपल सा। अब नहीं तो वैसे लिखते तो अधिक है तो दोनों उस, इसका और उसका माइनस करते 460, तो ऐसे धन रेशियो में। अब हुआ क्या है, दूसरी संख्या बी, उसका इतना क्या हुआ 19/16 भाग, ये दो रहा है कि इनका डिफरेंस 460 है, ये अधिक है मतलब दोनों, उस दोनों का डिफरेंस 460 है, तो इसको रेशियो में रहने दो। देखो 8 से कट गया यह 2, तो यह क्या हुआ 21/42, मतलब ए बाई बी कह सकते हो, ए बाई बी, बी इधर आया और 21 × 2 = 42, मतलब 21 इधर गया नीचे ना, तो यह 19/42। अब बोला दोनों का अंतर था, दोनों का अंतर क्या दिख रहा है, ये ए 19 है और बी 42 है, ए जो है तुम्हें क्या दिख रहा है, ये देखो ए 19 दिख रहा है, बी 42, दोनों का अंतर देखो, तो दोनों का अंतर देखो तो 12 में से 9 गया, क्या हो गया 3, या 3 में गया 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू जो है वह कितना है 460, तो 23 यूनिट की वैल्यू 460, देखो ये 23 से कट गया 20, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 20। तो बच्चे जैसे एक यूनिट की वैल्यू 20 है, पूछ क्या रहा है, तो फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों संख्याओं का सम करना है, तो सम करोगे तो ए प्लस बी कितना हो गया 9 × 2 = 11, बोंगी 1 × 4 = 5 = 6, 61 यूनिट, कितना हुआ 61 यूनिट, तो 61 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 20 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया, बताओ कोई दिक्कत। तो यह क्वेश्चन था, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल में मतलब सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्या था कुछ है नहीं, इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये क्या है इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऐसा अभी मैं बोला ना कि वीडियो पूरा देखना, लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा कि इस बार सीजीएल प्री में कैसे इस पे क्वेश्चन आए थे, जो रेशियो से बनना थोड़ा सा मुश्किल था उसके लिए बेसिक समझना था, कि अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर काम दे, जैसे भी देखो रेशियो कर रहा हूं ना, तो यह चीजें बन रही है, लेकिन जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस बार सीजीएल प्री में आया है, तो उसमें देखना कि रेशियो काम नहीं करेगा, वहां पर तुम्हें बेसिक ही समझना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखो यह क्वेश्चन जल्दी से फास्ट बनाओ, मेरे ख्याल से कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यह मेरे ख्याल से तुमसे बन जाना चाहिए, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको होमवर्क की तरह समझना है तो होमवर्क की तरह समझ लो, 137% ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू इतना परसेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अब लिखो, तुम लोग होमवर्क तो करते नहीं, मुझे ही समझाना पड़ेगा, सबसे पहले 137.5% क्या बोला था 1, और प्लस 37.5% क्या होता है 3/8, तो यह क्या हुआ 11/8। दूसरा क्या बोला था, ये डेटा 162.5%, अब समझ में आ गया 162% मतलब क्या हुआ, अब बोला था ना, देखो जो नहीं किए होगे पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखे होगे उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा पहला और दूसरा वीडियो देख लेना सीएचएसएल का, देख लेना जाके परसेंटेज का सॉरी फ्रैक्शन का और रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। तो 162.5 मतलब 100% और 62.5%, 100% मतलब 1 और 62.5% क्या होता है 5/8, तो 5/8 तो ये क्या हुआ 13/8, ये हो गया। क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर, तो ए प्लस बी का सम इक्वल है कितना, इसका परसेंट इसकी परसेंट नहीं 11/8, ये इक्वल है किसके, इक्वल है डिफरेंस ऑफ टू नंबर ए माइनस बी के, किसके 162/13/8 के, देखो यही है ना, इसी को कहते हैं लैंग्वेज लिखना, मतलब जो डेटा दिया हुआ है लैंग्वेज को उसको डिजिटल में मतलब डेटा में कन्वर्ट करना, यही चीज तुम्हें सीखना है बच्चे, क्योंकि पेपर में जो है ना यही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सेम आ जाएगा, जो बोलते हैं कि मेरी कॉपी से क्वेश्चन आ गया तो वो महान होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, वो देवता हैं, तो मैं देवताओं की बात नहीं करता हूँ, एलियंस हैं वो, मैं ये बात करता हूँ कि जो क्वेश्चन जो मैं करवाऊँ सेम क्वेश्चन आएगा नहीं, तो तुम्हारे अंदर यह कैलिवर डेवलप करना है कि तुमको कोई भी नया क्वेश्चन दे दे तो उस लैंग्वेज को पढ़ के तुम डेटा में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने लैंग्वेज को पढ़ा कि इतना परसेंट ऑफ टू नंबर, तो पहले उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इतना परसेंट ऑफ टू नंबर ये पता होनी चाहिए, फिर लिखा है सम ऑफ टू नंबर, तो इसका सम का इतना परसेंट, इनके डिफरेंस का इतना परसेंट आपस में बराबर है, फिर ये लिख दिए। अब जैसे लिखे तुम्हें समझ में आ गया 8/8 कैंसिल, तो a प्लस बी अपॉन क्या a माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ बच्चे 13/11। तो अब क्या करेंगे आप, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो जिनको नहीं आता मैं क्या कर सकता हूं उसमें, तो बता देता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, कि अगर a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c बाय d हो तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a बाय b इक्वल टू क्या c प्लस d बाय c माइनस d, मतलब इसका वाइस वर्सा सेम होता, अगर यह दिया है ये और यह दिया हुआ है तो ये लिख सकते हो, क्लियर है। और आगे अलजेब्रा भी पढ़ाऊंगा तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहे तो लिख सकता हूं कि a बाई बी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा 13 प्लस 11 क्या हो जाएगा 24,
और इतना डिफरेंसेस क्या हुआ, दो तो कट गया, क्या हुआ 12, सॉरी तो अब क्या दिया हुआ, अब दिया मतलब ए बी क्या हुआ, अगर ए और बी की बात करूं तो क्या हुआ, यहां ए आ गया 12 और बी क्या आ गया 1 आ गया, आया ही नहीं आया बताओ। इसके हेल्प से हमने यहां निकाल दिया ए और बी कि ए 12 और बी 1, ए के सामने 12 बी की वैल्यू 1। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि देन स्मॉलर नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रैंड लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंट, तो छोटी संख्या क्या है 1, बड़ी संख्या का कितना परसेंट है, बड़ी संख्या क्या हुआ 12, जिससे तुलना उसको नीचे रखते हैं, छोटी संख्या की तुलना किससे, बड़ी संख्या से, बार बार बोल रहा हूं, जिससे तुलना उसको नीचे रखते हैं, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंट है, तो 1/12 × 100 तुम्हें पता है 1/12 की मीनिंग क्या होती है, 8:1/3%। देखो आंसर आ गया, बताओ कोई दिक्कत था। तो यह चीजें देखो क्या क्या एलिमेंट था, यह एलिमेंट्स था, यह तुम्हें पता होना चाहिए, अगर यह नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर उसको रूपरेखा तैयार करना, यह लिखने आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि तुम मुझसे यह सीखो कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सॉल्यूशन तो तुम बुक में भी देख लो, हर बुक में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, तुम्हें यह समझना है कि वह सॉल्यूशन आया कैसे, मतलब कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई थी, यह समझ लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं। एक ना एक मूवी थी धूम मूवी की, आई थिंक सेकेंड या थर्ड का डायलॉग था कि चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचो, तो वह एग्जामिनर में एग्जाम में अगर एग्जामिनर को हराना है कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको हराना है, मतलब उसको हराओगे तभी तो तुम जीत पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी रेस है, इस रेस में खुद को क्या करना है, एक डेथ रेस है, मतलब उस डेथ रेस में सबको पीछे करके तुम्हें आगे बढ़ना है, तो आगे तभी बढ़ सकते हो जब तुम ये जान पाओगे जो इसने सेट किया है क्वेश्चन को उसके दिमाग को पढ़ सको, अगर तुमने उसके दिमाग को पढ़ लिया कि वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को कहाँ घुमा रहा है, कहाँ उठा रहा है, क्या डेटा घुमा रहा है, तो तुम उसको क्या करोगे, हरा जाओगे और फाइनली तुम रेस जीत जाओगे, और नहीं तो फिर रेस में तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है पंचवर्षीय योजना भी लोग चला रहे हैं, और कई कितने तो इतने होते हैं जो SSC सेलेक्टेड बच्चे फिर दोबारा पेपर देते हैं, कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहले लगे एक्साइज, फिर लगे इनकम, फिर AA का पेपर हो गया, वो भी हो गया, तो एक एक मतलब एक एक नौकरी दूसरी दूसरी तीसरी, तो उनसे आपका रेस है, लेकिन यह है कि आपके अंदर एनर्जी है और इस एनर्जी का फायदा उठाओ और क्वेश्चंस बनाओ। देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं फास्ट। देखिए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, घुमाया है क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन जो है ना ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, अभी तक जो मैं करवा रहा था वो तो आपके पास, जैसे पिछला क्वेश्चन दिस इज गुड क्वेश्चन, तो यह सब क्वेश्चन आपके लेवल का क्वेश्चन है। अब जल्दी से बताइए क्या, सम ऑफ टू नंबर्स डिक्रीजेस बाय इतना परसेंट, डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर्स इंक्रीजेस बाय इतना परसेंट एंड रिजल्ट विल इक्वल, मतलब क्या है सम ऑफ टू नंबर, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे सोचता, देखना मेरी तरह सोचो, सम ऑफ टू नंबर मतलब ए प्लस बी डिक्रीजेस बाय 20%, तो मेरे दिमाग में आता 20% घटा दिए, 20% की मीनिंग क्या होती है 1/5, 1/5 घटा दिए मतलब 4/5 के बराबर है, 20% घटा दिए मतलब 80% के बराबर है, 80% की मीनिंग क्या होगी 4/5, तो यह 4/5। एंड डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर मतलब ए माइनस बी इंक्रीजेस बाय 40%, 40% की मीनिंग क्या 2/5, तो 2/5 अधिक है तो 1+2/5 मतलब 7/5, या 40% अधिक मतलब क्या हुआ 140%, तो 140/100 क्या होता है 7/5, 140/100 20 से 7/5, या ऐसे भी सोच सकते हो 40% अधिक, 40% की मीनिंग 2/5 अधिक मतलब प्लस, तो 5+2 7/5, तो यह 7/5। अब यह बराबर है, जैसे बराबर किया हमने तो क्या हुआ, देखो 5 से 5 कट गया, फिर वही कॉन्सेप्ट लगा कंपोनेंटो डिविडेंडो का, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या 7/4, तो यहां से क्या आ जाएगा ए बाई बी, डायरेक्ट देखो 7+4 = 11, 7 - 3 = 3, 11/3 आया। अब क्या दिया हुआ है रिजल्ट बिल्कुल, 3 times of greater number is 2, अब 3 times the greater number, तो ग्रेटर नंबर का 3 गुना, ग्रेटर नंबर का 3 गुना, तो इसका 3 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 33, इज 210 मोर देन, कितना अधिक है 210 अधिक, किससे अधिक है 5 times of the second number, तो इसका सेकेंड नंबर का 5 गुना मतलब क्या हुआ 15, इनका डिफरेंस, पिछले क्वेश्चन में क्या था इनका डिफरेंस था, इस बार क्वेश्चन में इसका 3 गुना इसके 5 गुना का अंतर, तो 33 और 15 का अंतर क्या हुआ 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है 210, 18 यूनिट हुआ ना, 3 गुना दिया हुआ है 3 times of the greater number, 11 + 33 सही है, 7 × 4 = 11, 7 - 4 = 3, हाँ, और 5 times the second number, 5 times the second number मतलब 15, डिफरेंसेस कितना हुआ 15 × 3 = 18 हो गया, 18 यूनिट की वैल्यू क्या है 360, कितना 360 दे 210 दिया हुआ है 210, लिख दिया 210।
18 यूनिट की वैल्यू 210। पूछ क्या रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहां से आप लिख सकते हो 18 यूनिट की वैल्यू जो है वह 210 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 210 अपॉन क्या, 18 इंटू 11। सॉल्व कर दो, 2 से कट जाएगा आई थिंक, जो भी हो कट का आंसर आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से काट देना, सॉरी 3 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 18 कितना होगा, 6 18 3 6 35 कट जाएगा, मान लो 6 18 और 6 से कटा क्या हुआ, 6 18 18 3 21 3 6 35 मतलब क्या हुआ अपने पास, यहाँ है ना ये 210, हाँ 11, तो ये क्या 35 इंटू 11 बटे 3, यही आ गया नंबर, वह 360 होता तो इजली कट जाता, हमने 210 लिख लिया, फ्रैक्शन में आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछे जाते हैं या सीएचएसएल में पूछे जाएंगे आपके। देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या है, तुम्हें स्टेप पता होना चाहिए, इस स्टेप के बाद ये स्टेप पे जाएंगे, इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे जाएंगे, तो स्टेप्स पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिए यह क्वेश्चन आप खुद बनाइए, बताइए क्या आया इसका आंसर। देखिए थोड़ा सा टफ दिया है मैंने, मतलब जिस तरीके से इस बार सीजीएल प्री में आ रहा है, जैसे इस बार सीजीएल में आ रहा है, क्या आ रहा है, लेंदी क्वेश्चन आ रहे, डेटा ऐसा आ रहा है कि पजल हो रहा है, देख के डर रहे हैं, सिर्फ ना दिमाग का खेल है ये एग्जाम। एग्जाम जो है ना दिमाग का खेल है, कि तुम्हारे दिमाग पर कितना कंट्रोल होना चाहिए, तुम दूसरों के दिमाग पर कंट्रोल कर लो, मतलब एग्जामिनर के दिमाग पर तुमने कंट्रोल कर लिया तो तुम जीत जाओगे रेस। क्या दिया हुआ है, 12.5% की मीनिंग पता होना चाहिए, 1/8, 14:2, 70% की मीनिंग पता होना चाहिए, 1/7, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। क्या दिया, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 12.5% ऑफ ए, तो ए का 12.5% उनका सम, किसका, ए का 12.5%, मतलब ए का 1/8 भाग प्लस सम दिया हुआ है, बी का कितना भाग, 14:2/7 मतलब 1/7 पार्ट बी का, तो बी का 1/7 पार्ट, तो बी का 1/7 पार्ट इज, यह क्या है, यह 5/8 है, जैसे देखो लैंग्वेज पढ़ते जाता हूं और मैं लिखते जाता हूं, 5/8 है ऑफ द सम ऑफ, किसका 5/8 है, सम ऑफ 1/7 ऑफ क्या, सम ऑफ 14:2/7 मतलब 14:2/7 क्या हुआ, 1/7 किसका, ए का, प्लस 50% मतलब क्या हुआ, 1/2 ऑफ क्या, बी। देखो यह लैंग्वेज लिख दिया, अब बताओ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो यह लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि इसको कैसे लिख पाए। मैक्सिमम बच्चों को नहीं, यह समझ में नहीं आ पाता क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको मैं लिखूं कैसे, इसी चीज को सीखना है। तो यह एक स्लो प्रोसेस है, यह जादुओं से नहीं होगा, यह आपको क्या होगा ना कि चीजों को समझना होगा। छोटा सा एक एग्जांपल समझाता हूं, मैं आपको बताऊं, आप जो है ना कुकिंग नहीं करते हो, आप सब्जी नहीं काटते हो, तो आप क्या होता है ना, मान लो मैं बोलूंगा आप प्याज काटो, तो ऐसे काटोगे और मतलब उल्टा सीधा काट दो, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, और देखो आपके घर में मम्मी या वैसे ले, मतलब वैसे जो होते हैं होटल्स में, जैसे देखो जो डेली मतलब काटता है प्याज वाज, देखो या छोले भटूरे वाला या पाव भाजी वाला, देखो जैसे रखा कट 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 कट, मतलब पूरा एकदम बैलेंस इक्वल पार्ट में करता है और नहीं उसका हांट करता है, तो इतना क्या हो जाता है, ऐसा क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि देखा और आंख बंद बातचीत भी कर रहा है उसे से क्या कट गया, तो वह प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो, एक क्वेश्चन देखे दूसरा बच्चा एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा और फिर उसे समझ में नहीं, जैसा अभी पेपर में हो रहा है बच्चों के साथ, एक बार सीजीएल में जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है ना, नेक्स्ट किया क्वेश्चन दिखा तो पूरा पढ़ता समझ में आता, फिर दोबारा ऐसे आंख लगा पड़ता क्या दिया हुआ है, दोबारा पढ़ के फिर तिबारा फिर डेटा को करता, इसी में तो समय चला गया उसका। तो अगर तुम्हारी कॉन्फिडेंस सही है क्वेश्चंस पढ़े तो तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और पेन तुम्हारा चलते जाएगा, पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन चलते जा रहा है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो रहा है। तो क्या दिया, अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको डायरेक्ट तुम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ क्या दिख रहा है, एलसीएम 56, तो यहाँ क्या हुआ 7a, क्या हुआ 7a, और यहाँ क्या हुआ 8b, यहाँ भी क्या दिख रहा है अपने पास, नीचे एलसीएम यहाँ जो है 8 तो बाहर था और नीचे उधर क्या हुआ 14 एलसीएम आ गया, तो ये 5 रहने दो, तो यहाँ क्या हो गया, देखो 14 था तो यहाँ क्या हुआ 2a और प्लस उधर क्या हुआ 7b, बस इसको सॉल्व करना था, 14 6 56, 4 से कट गया ये 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हुआ 14a प्लस 16b इसकल टू क्या 10a प्लस 35b, ये आ गया। अब क्या दिया हुआ अपने पास, अब दिया हुआ है कि क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एज टू बी, मतलब ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, ए वाले को इधर लेंगे 14 - 10a मतलब 4a आ गया, और बी वाले को उधर ले जाएंगे तो 16 35 में से 16 गया कितना हुआ 19b, तो क्या हुआ ए बाय बी का रेशियो, तो ए बाय बी का रेशियो 19:4 आ गया, मतलब 19:4 आ गया आंसर। तो यही तो इंपॉर्टेंट था ना, अगर यह तुम सीख गए तो बताओ इसमें कोई जरूरत थी, फिर तो हर बच्चा बना लेगा, तो मेनली ये सीखना है।
और इसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस की तुमसे गलती ना हो, कैलकुलेशन तुम्हारी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या दिया हुआ है अपने पास, ये रहा। अब ये देखो यह क्वेश्चन ना सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन है इस बार, यह क्वेश्चन सेम, मैंने मतलब 405 नहीं था, कोई और डेटा था, लेकिन मेथड ये प्रोसेस सेम है, सेम क्वेश्चन इस बार सीजीएल प्री में आया हुआ है। तो अब मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो डायरेक्ट मैं आपके सामने बनाता हूं, आप मेरे साथ बना सकते हो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है मैं पढ़ा, तो 135 इज इंक्रीजेस बाय एक्स परसेंट, तो बच्चे अगर 20% बढ़ता है लिखते हो 120% ना, किसी चीज में 30% बढ़ाया तो 130%, तो 40% बढ़ाया तो 140%, मतलब 100+40 तो x परसेंट बढ़ाया, तो x परसेंट जैसे बढ़ाया तो क्या किया 100+x/100, यह लिखने आना चाहिए। अगर तुमने यह बेसिक नहीं पढ़ा है, बताओ x वाला अगर मेथड नहीं बताते ये लिख पाते, रेशियो में क्या क्या चेंज होगा, रेशियो में कभी चेंज नहीं होगा। अब यह क्या हुआ, एंड 405 डिक्रीजेज बाय 100 - x, 100% घटा मतलब 100 - x, 20% घटता तो 100 - 20 करते, 20% बढ़ा 100+20 करते, तो x परसेंट बढ़ा 100+x और x परसेंट घटा, तो ये अब देखो 100 से 100 कट गया, अब ये काटो 27 - 25 135 हो जाएगा, या 5 - 27 हो गया, 5 से कट गया क्या हुआ 5 - 8 = 40 और 5 - 81, देखो 27 + 81 मतलब 3 से कट गया। तो यहाँ क्या आया देखो आप, 100+x अपॉन क्या 100 - x इसकल टू क्या 3/1। अब बताओ इससे सॉल्व नहीं, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे, जैसे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाए सॉल्व कर दो, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाए 100/x की वैल्यू क्या आ गई 3+1 = 4, 3 - 1 = 2, लिखे ना a+b a-b, 3+1 = 4, 3 - 1 = 2, ये 2 से कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 50%, x की वैल्यू 50% आ गई। तो क्वेश्चन यहाँ नहीं रुका सीजीएल में, सीजीएल ने और क्या किया, अब बोला कि x/2% ऑफ 180, तो 180 का x/2 तो 50 की आधा क्या हुआ 25, तो 180 का 25% 180 का 25% माइंड में सोचे, माइंड में सोचो 25% वैल्यू 1/4, 180 का 1/4, 180 का आधा कितना हुआ 90, 90 का आधा 45, तो डायरेक्ट लिख दिया 45। दूसरा क्या है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 100+x%, तो 100+x तो x की वैल्यू 50, तो 100 का 50% अधिक, तो 100+50 कितना हुआ 150%, 150% की मीनिंग क्या हुई डेढ़ गुना, तो 150% की मीनिंग डेढ़ गुना, 75 का डेढ़ गुना यहाँ लिख दिया, इसको रेशियो में लिख दो तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा कौन अधिक कम है। अब काट दो, इसमें काटना है तो देखो 15 से कट गया क्या हुआ 3 से कटा 15, फिर 5 से कट गया 3 और 5 से कट गया कितना हुआ ये, या 15 - 75 काट दो ना, सॉरी यहाँ 45 था ना, देखो 3 से कट गया क्या हुआ ये 15 और 15 से कट गया ये 5 और ये 2 उधर चले गए तो 2:5। अब क्या है, पहला ए था यह क्या दिया हुआ है, अब दिया देन x/2% ऑफ इतना इज मोर और लेस देन इसका, किससे तुलना है, इस वाले से तुलना है, सेकंड वाले से तुलना है, इसी से तुलना है ना बच्चे, सेकंड वाले से तुलना है, ये फर्स्ट लिखा है ये सेकंड लिखा है, सेकंड वाला 5 है फर्स्ट वाला 2 है, तो कितना कम है यह 3 कम है, किससे 5 से, कितना हुआ 3/5 क्या होता है 60% कम। देखो यह सीजीएल प्री का क्वेश्चन था, इस बार सीजीएल प्री में यही क्वेश्चन आया था, मैंने सिर्फ डेटा चेंज किया, वहां 170 नहीं था, मतलब कुछ और था, ऐसे ही डेटा था, लेकिन मेथड सेम था, क्वेश्चंस ऐसे ही सेम बनता। तो देखो अब यहां रेशियो लगा, तो रेशियो जिस बच्चा जो सिर्फ रेशियो सीख के गया है क्या वो कभी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, उसको क्या चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करो ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुमसे नहीं बने, क्लियर है। तो अब ऐसा सेम क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके देता हूं, देखो अब इसको मैंने थोड़ा सा टफ किया, आपको मतलब कह सकते हो कि जैसा सीजीएल प्री में आया है, जैसे इस बार सीजीएल प्री में आया ना, इस बार 2019 में आया, तो ये 2020 के लिए वैलिड है, ये 2020-21 के लिए वैलिड है, अगर 20 में थोड़ा टफ और करेगा तो सीजीएल में क्या करेगा, क्योंकि एक लेवल आपको ऊपर लेके चलना है। तो अब सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं, अब इसे आप जल्दी से बनाओ, सिर्फ मैंने क्या किया एक्स पे एक्स स्क्वायर कर दिया है, तो यहां से 135 को घटाया, देखो मैं बनाता हूं आपके साथ जल्दी से फास्ट 135 एक्स स्क्वायर परसेंट घटा मतलब 100 - x² बाय क्या 100, और क्या है रिजल्ट इक्वल है क्या 108 का एक्स स्क्वायर परसेंट बढ़ा 100+ x² अपॉन क्या 100, देखो बच्चे क्या करेंगे तो 100 से 100 कट गया,
क्या हुआ, 27 चौके 104, 27 पचे 135। अब देखो क्या है, देखो बच्चे कि यहाँ 27 पचे 135, 27 चौके 104, ये कैसे माइंड में आएगा? जिसको 27 का जिसने टेबल पढ़ा होगा वही माइंड में आएगा ना। अगर तुमको क्या मैंने बोला था, आपने कैलकुलेशन देखा होगा, एक वीडियो हमने बनाया था, वीडियो बनाया था आपका कि कैलकुलेशन से अगर आप परेशान है तो उसका रामबाण क्या, उसका इलाज क्या है। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखना। मैंने उसमें बोला था टेबल लिखने, देखो पता चल रहा टेबल का क्या यूज है। तुम 27 का टेबल लिख चुके हो तो जैसे माइंड में 108 देखे, 27 चौके 104, 27 पचे 135, तो माइंड में क्लिक करके माइंड बोलेगा। तो देखो जितनी जल्दी हो गया ना, तो पहले तुम वो 3 से काटते, फिर 5 से काटते, तो 2 से काटते, क्लियर। तो अब यहाँ देखो अब क्या हुआ, 100 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 100 प्लस x स्क्वायर, उधर वाला ही देखो अपॉन क्या दिख रहा है, 100 माइनस x स्क्वायर। पता है इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यह चीज पेपर में नहीं लिख पाओगे आप। क्यों क्यों लिखोगे पेपर में, जब आपको दिख रहा है कि ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है, वो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देंगे जो हम ये प्रोसेस लिखेंगे? तो पेपर में यही सब चीजें नहीं लिखना होगा, तो डायरेक्ट लिखते क्या, 100 बाय x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, 5 प्लस 4 9, और 5 माइनस 4 1, यहाँ 9 हो गया। तो जैसे x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, x स्क्वायर 100/9, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10/3, तो x की वैल्यू 10/3 हो गई। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि देन फाइंड x प्लस 6:2/3। तो देखो माइंड में सोचो कि वह 3:10/3, 10/3 की मीनिंग क्या होती है, 3:1/3, और यह क्या है, 6:2/3, मतलब 6 × 9 = 10%, किसका 10%, 170 का 10%, 17 हो गया, कितना, x% of 450, 450 का 3×1/3% क्या होता है, याद करो 33:1/3% होता है 1/3, तो 3:1/3% क्या होता है, 1/30। यह चीजें पता होनी चाहिए कि 33:1/3% की मीनिंग होती है 1/3। तो माइंड अगर बोलता है कि यह 3:1/3 हो, 3:1/3, तो ये होता है 1/30। ये सब चीज़ें पढ़ाया था आपको फ्रैक्शन में, जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाकर वीडियो देखना फ्रैक्शन वाली, कि कैसे समझ में आ जाएगा कि 3:1/3 1/30 होता है। तो 450 का 1/30 पार्ट कितना हुआ, 15, तो ये हो गया 15, क्लियर है, लिख दिया दोनों के, पहला नंबर है, दूसरा नंबर बोला इतना परसेंट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, इससे तुलना है, मतलब इससे तुलना, ये कितना अधिक है, 2, तो 2/15 × 100, आपको पता है 1/15 क्या सिखाया था, 6.66%, तो 2/15 क्या हुआ, 12.5%, 6.66%, हाँ तो 13.2%, सॉरी तो 13.2%, क्लियर है, ये चीजें हो गई। तो एक क्वेश्चन लास्ट है, वह आप एज ए, शायद खत्म हो गया, हाँ दिस खत्म हो गया सारी चीजें, ठीक है, तो ये लास्ट ही था। तो बच्चे देखो अब आपको मैंने सबको समझाया कि चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर होगा तभी तुम पेपर क्लियर कर पाओगे। तो अगर आपको समझ में आया तो जरूर, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो चीज़ें आपको लगती है समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो नीचे कमेंट करो, जाके लिखो कि सर हाँ ये चीज़ें समझ में आई, इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसको कैसे कर सकते हैं, और तुम्हारे कोई डाउट्स हो कि जो भी सजेशंस हो तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, और अगर सब कुछ सही रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल पाए चीज़ों की, हाँ चीज़ें कैसी होनी। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो आज आपकी क्लास थी, मतलब आज आपकी जो रात में 10 बजे क्लास होगी, आपको पता है कि अपने वाईफाई स्टडी के सुपर स्टार भुवनेश्वर की शादी हो रही है, तो उस केसेस में वाईफाई स्टडी की क्लासेस बेसिकली लाइव नहीं चल पाई, और आज रात में क्लास आपकी नहीं हो पाई, कल आपकी क्लासेस नहीं होगी, कल जो भी क्लासेस होंगी वो सारे ऑफ है, क्योंकि आप लोग, वैसे बहुत सारे बच्चों का सीजल जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग लाइव भी देखेंगे जो भुवनेश्वर की क्लासेस है, मतलब जो शादी हो रही है, देख सकते हो आप लोग। तो कल के लिए आप लोगों के लिए क्षमा चाहता हूँ कि कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी, फिर परसों से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। तो SSC के जो बच्चे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और याद रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 7 बजे हमसे मिलिए, और एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का, चाहे अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, वहाँ 10 रात में 10 बजे मिलिए। अपने जितने दोस्तों सबके के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए कि SSC के लिए जो है अब वाईफाई स्टडी में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।